हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम, जिसे कि एस हैंडलिंग सिस्टम भी कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल डस्ट कन्वेइंग के लिए किया जाता है। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पहले फ्लो चार्ट डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट फील्ड पर लेके जाऊंगा और प्रैक्टिकल वीडियो आपको दिखाऊंगा। इस सिस्टम के बारे में पूरा आपको समझाऊंगा कि कौन कौन सा इसका क्या क्या पार्ट है और ये काम कैसे करती है। एस हैंडलिंग सिस्टम का कंप्लीट वर्किंग हम समझ जाएंगे और लोडिंग टाइम, कन्वेइंग टाइम, ऑटो डिले टाइम, इन सब को भी समझ जाएंगे। तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम क्या होता है, कहां पर यूज होता है और इसके लोडिंग टाइम, इसके ऑटो डिले टाइम और इसके कन्वेइंग टाइम, इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में मैं आपको। तो बने रहिए मेरे साथ पूरे अंत तक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कन्वेइंग सिस्टम, प्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम होता क्या है। दरअसल इंडस्ट्रीज में डस्ट कंट्रोल इक्विपमेंट, जैसे कि बैक फिल्टर हो गया या फिर ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इन सब के डस्ट को एयर के प्रेशर के थ्रू कन्वे करके एक मेन बंकर, जिसे हम साइलो कहते हैं, उसमें स्टोर कर लिया जाता है। इसी को ही न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर डस्ट जो है एयर के प्रेशर के थ्रू जाता है, इसलिए इसे प्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम कहा जाता है। प्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम में एयर का प्रेशर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर एयर का प्रेशर 5 to 7 bar होना चाहिए। 5 bar से प्रेशर अगर कम होता है तो ये सिस्टम जो है वो ट्रिप करने लग जाता है। चलिए, तो अब सबसे पहले बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। इस सिस्टम में ये देखिए, नीचे में जो आपका हॉपर है, ये मैंने एक बंकर बनाया हुआ है बैक फिल्टर का, उसके नीचे में हॉपर है। वहां पर दो सिस्टम लगे हुए हैं, एक जो हल्का सा गोल सा है और एक जो है सिलेंड्रिकल है और एक जो है डोम शेप में है। तो दोस्तों, जो पहला वाला है, जो स्टार्टिंग है, मतलब लेफ्ट साइड वाला, उसे कहते हैं मास्टर डोम और उसके बाद में स्लेव डोम है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितने भी हॉपर हों, अगर समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 4 hopper होगा, तो जो सबसे स्टार्टिंग में होगा उसे मास्टर डोम कहा जाएगा, लेकिन बाकी के सारे डोम, अगर उसके साथ में 3 हो 4 हो, वो सब जो है वो स्लेव डोम कहलाएंगे। इसमें क्या होता है, हॉपर के नीचे में, यहाँ पर डोम के ऊपर में, दोनों डोम के ऊपर में वॉल्व लगे रहते हैं, डोम वॉल्व जो है प्यूमेटिक सिलेंडर एयर प्रेशर के थ्रू काम करते हैं। यहाँ पे प्यूमेटिक सिलेंडर लगा हुआ है, ये जो डार्क दिख रहा है आपको, दिख रहा है वो प्यूमेटिक सिलेंडर है, और प्यूमेटिक सिलेंडर कनेक्टेड रहता है एक पैनल से। ये बॉक्स है, वो प्यूमेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों इक्विपमेंट के साथ मिलके बना हुआ है, और इसका कंट्रोल जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में दिया जाता है, और इसके अंदर में सोलोनॉइड वगैरह रहते हैं, जिसकी वजह से वो कंप्यूटर का जो यहाँ पर सिग्नल आता है उसके हिसाब से ये सिलेंडर ऑपरेट होते हैं। ये सिलेंडर जब क्लोज होता है तब इसका डोम वॉल जो है वो ओपन होता है। जब डोम वॉल ओपन होता है तो ऊपर के हॉपर में जो डस्ट कलेक्टेड है, जो डस्ट वहां पे इकट्ठा हुआ है, वो डस्ट नीचे गिरता है और नीचे आ जाता है डोम में। उसी टाइमिंग को कहते हैं लोडिंग टाइम। जब वॉल्व ओपन होता है उस टाइम को कहा जाता है लोडिंग टाइम, और लोडिंग टाइम में जो ऊपर का डस्ट है वो नीचे आकर के डोम में लोड होता है, इसलिए उसे लोडिंग टाइम कहा जाता है। उसे 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, क्वांटिटी ऑफ डस्ट, कितना क्वांटिटी डस्ट आपका इकट्ठा कर रहा है इक्विपमेंट, जो भी आपका इक्विपमेंट है उसके हिसाब से उसको सेट किया जाता है। उसके बाद जब सिलेंडर फिर से ओपन होता है, सिलेंडर का पिस्टन पूरा ओपन होता है, तो फिर से वॉल्व क्लोज हो जाता है। वॉल्व के जस्ट क्लोज होने के बाद में, यहां से आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में एयर का पाइपलाइन आया हुआ है, वहां से हाई प्रेशर एयर, जो कि 5 to 7 kg प्रेशर है जिसमें, वो यहां से बहुत तेजी से डस्ट को अपने साथ में ले जाते हुए, डस्ट और एयर का मिक्सचर जो है वो साइलो में चला जाता है, यानी कि डस्ट को कन्वे करके ले जाता है साइलो पे। इसी टाइमिंग को, जिस टाइम में ये हाई प्रेशर एयर इस डस्ट को कलेक्ट करके साइलो में ले जाता है, उसे कहा जाता है कन्वेइंग टाइम। अब
कन्वेइंग टाइम और ऑटो डिले टाइम तो हो गया, सॉरी कन्वेइंग टाइम और लोडिंग टाइम हो गया, अब बचा है ऑटो डिले टाइमिंग। अब बात करते हैं ऑटो डिले टाइमिंग के बारे में, आखिर ऑटो डिले टाइमिंग क्या होता है। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है, जब लोडिंग हो रहा है, लोडिंग होने के बाद कन्वेइंग हो रहा है, तो ये कंटिन्यू तो नहीं होता है, कुछ समय तक होता है क्योंकि कुछ समय इसमें डस्ट कलेक्ट होने में लगता है। तो इस साइकिल के बीच में जो टाइम इंटरवल है, यानी कि एक बार लोडिंग कन्वेइंग हो जाने के बाद में फिर से जो लोडिंग और कन्वेइंग के बीच का जो समय है, उसे कहा जाता है ऑटो डिले टाइम, और उसे सेट कर दिया जाता है कंप्यूटर सिस्टम से सेकंड के हिसाब से। अब चलिए फील्ड से देख लेते हैं। ये है हमारा मेन साइलो जिसमें डस्ट जा करके कलेक्ट होता है। और यहां ऊपर में हॉपर है, ये प्लेटफॉर्म है, इसकी वजह से हॉपर पूरा क्लियर नहीं दिख पा रहा है, लेकिन इसके ऊपर में दो हॉपर्स हैं जिसमें कि डस्ट कलेक्ट होते जा रहा है कंटिन्यू। ये मास्टर डोम है, ऊपर में आप देख सकते हैं ये प्यूमेटिक सिलेंडर है, और प्यूमेटिक सिलेंडर के पिस्टन से कनेक्टेड रहता है डोम वॉल। ये देखिए अभी ओपन है, ये मास्टर डोम है, ये स्लो डोम है। पिस्टन जब निकला हुआ रहता है तब डोम वॉल क्लोज रहता है, यानी कि ऊपर का जो हॉपर का जो डस्ट है वो नीचे नहीं आ सकता। और यहां से ये पाइपलाइन गया हुआ है, ऐसे डस्ट आगे जाता है यहां से। ये आपका रिसीवर टैंक से आया हुआ पाइपलाइन है, एक यहाँ पे डोम वॉल में ऊपर गया हुआ है और एक नीचे में आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई प्रेशर एयर आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 से 7 kg के आसपास होना चाहिए, और यहाँ पर NRV लगे रहते हैं। ये डस्ट, ये देखिए आपका मास्टर डोम के नीचे का है, वहां पे एयरलाइन जब लगा है तो वहां NRV लगा है, ये भी NRV लगा हुआ है। एक NRV इसलिए लगाया जाता है ताकि हाई प्रेशर एयर जो है वो डस्ट चैम्बर में जाए, है ना, डोम में जाए, लेकिन वहां से डस्ट जो है वो वापस बैक प्रेशर ना मार सके। और बीच बीच में पाइपलाइंस में और लगा रहता है NRV और एयरलाइन लगा रहता है। अब यहां पर अभी चल रहा है ऑटो डिले टाइमिंग चल रहा है। ड्यूरिंग ऑटो डिले टाइमिंग क्या होता है, सिलेंडर जो होता है आपका ओपन होता है, है ना, सिलेंडर का पिस्टन ओपन होता है, लेकिन अंदर का जो डोम का वॉल्व है वो क्लोज रहता है। अब ये जैसे ही सिलेंडर आपका, सिलेंडर का पिस्टन क्लोज हुआ, यानी कि लोडिंग हो रहा है, ऊपर का चैम्बर का जो डस्ट है वो नीचे आ रहा है, और अब फिर लोडिंग टाइम कंप्लीट हो गया है, पिस्टन फिर से खुल गया है, यानी कि वॉल्व क्लोज हो गया डोम वॉल्व ऊपर का, अब कन्वेइंग स्टार्ट होने वाला है। और ये कन्वेइंग स्टार्ट हो गया है, हाई प्रेशर एयर के साथ कन्वेइंग हो रहा है और डस्ट कन्वे हो रहा है, जा रहा है साइड में। और अब कन्वेइंग स्टॉप हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थी हमारी एस कन्वेइंग सिस्टम के बारे में, एस हैंडलिंग सिस्टम के ऊपर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो 1% भी आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।